Assalamualaikum everyone, welcome back to my another video। और आज मैं आपके लिए लेके आई मेरे तरीके से बना विदाउट स्मेल मटन शाही कोरमा रेसिपी। और मटन को मैंने 8 से 10 बार इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि इसमें स्मेल ना आए। यहाँ पर मैंने आधा किलो दही लिया है जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ मैंने 250 ग्राम लहसुन और 250 ग्राम अदरक को भी मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। हाँ, मैंने कुछ मसाले लिए हैं। मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा और खसखस का पेस्ट बना लिया था, देखो अच्छे से फेंट लिया था। और उसमें मैं डालूंगी 4 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पर 5 चम्मच जो है कश्मीरी लाल पाउडर लिया है। 1/2 टी स्पून ही मैं इसमें यहाँ हल्दी पाउडर डालू। 1 टी स्पून ही मैं यहाँ पर चाट पाउडर ले रही हूँ। 1 टी स्पून ही मैं यहाँ नमक ले रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अभी हमें इसमें 3 से 4 स्पून नमक और डालना है। 7 से 8 टी स्पून मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। इसमें मैं यहाँ ले रही हूँ कुछ छोटी इलायची के दाने, इन्हें हमें ऐसे ही डालना है। और ये सभी चीज़ें डालने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है। लेकिन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से मेरे इस मेथड से मटन कोरमा बनाएंगे तो कभी स्मेल आ ही नहीं सकती। यहाँ दही और मसालों को पेस्ट, प्याज को हमने तेल में से निकाल लिया है। प्याज को हमने तेल में से निकाल लिया है और देखिए एकदम ये क्रिस्पी है। बचे हुए तेल में हम डाल यहाँ पर लगभग 5 किलो मटन है। आप चाहें क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से कर लेना है फ्राई। तो हमारा फ्राई हो रहा है, इसी स्टेज पे हम डाल देंगे सारे हमारे गर्म मसाले। डालने के बाद यहाँ हम डाल देंगे हमने प्याज को फ्राई किया था, आधे प्याज हम इसमें डाल देंगे। गोश्त को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। दही का पेस्ट हमने बनाया था ना, इसको भी हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। यहाँ हम खसखस और गोले के बुरादे को ऐसे ही डाल देंगे। इसे हमें पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसी अंदाज में डालना है। जब तक हमारा गोश्त बन के रेडी हो रहा है इसको डालेंगे गोटे हैं चपे को। मैं कुछ काजू ले रही हूँ, फिर भी प्याज लेंगे। काटने के बाद इसका हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे साबुत नमक। लेकिन मानिए आप जब इस अंदाज से इसको बनाएंगे साबुत नमक डालकर, तो ये रेसिपी आपकी बनकर रेडी हो जाएगी। हम यहाँ डाल देंगे हमारा काजू नारियल और प्याज का पेस्ट हमने बनाया था। उसे भी हमें अच्छे से मिलाकर इसमें हमें शामिल कर देना है। हमारा मटन शाही कोरमा बनकर रेडी हो चुका है, तभी हम इस स्टेज पर डाल देंगे हमारा प्याज का पेस्ट। जो पानी रह गया था मैंने इसमें भी शामिल कर। प्याज डालने के बाद 10 से 15 मिनट तक हमें इसे और अच्छे से पका लेना है। मसालों को मैंने यहाँ अच्छे से भून लिया है और हमारा तकरीबन सालन भी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने 3 गिलास डाला है पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 4 गिलास पानी डालने के बाद हम मटन कोरमा को गलने तक पका लेंगे, इसे अच्छे से ढक देंगे। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ मटन कोरमा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये देखने में जितना शानदार है इतना ही खाने में भी लाजवाब है। आई होप अगर आपको मेरी ये रेसिपी या मेरा ये तरीका बनाने का पसंद आया हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।